तो गाइस जिसमें मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये है दो ट्रैकिंग बैग और ये है दोनों एक ही कंपनी के, लेकिन ये है 45 लीटर का और ये है 65 लीटर। कंपनी का नाम है वाइल्ड क्राफ्ट और प्राइस वगैरह बताएंगे और इन दोनों का मैं करने वाला हूँ कंपेरिजन। तो बने रहे हमारे चैनल में, अगर अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलिए करते हैं कंपेरिजन और बने रहे। सबसे पहले यहाँ पर ये है 65 लीटर का ऑफकोर्स और ये है 45 लीटर का, तो ये एक डिफरेंस है। और उसके बाद हम बात करते हैं अब हम ओवरऑल। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फ्रंट देखोगे तो फ्रंट में यहाँ पर 45 लीटर में कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सा है, एक नॉर्मल कॉलेज बैग टाइप का मुझे लगता है। और यहाँ पर आप देखोगे 65 लीटर में तो आप पर काफ़ी कुछ मिलता है। फ्रंट में आपको एक चेन मिल जाता है, यहाँ पर आप ये कंपाउंड में आप यहाँ पर ये रख सकते हो, अपना बूट रख सकते हो या उसके अलावा दूसरा कुछ आप चीज़ रख सकते हो, ठीक है। आप मिडिल में जाते हैं तो यहाँ पर आपको चेन मिलता है जिसके अंदर आप छोटे मोटे चीज़ जैसे ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें रख सकते हो, छोटे चीज़ जो आप डेली यूज़ करते हो, आप फटाक से निकालना है फटाक से रखना है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो। और साइड में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बॉटल रखने के लिए मिलता है और साइड में यहाँ पर बॉटल रखने के लिए मिलता है, तो इसमें भी 45 लीटर में आपको बॉटल रखने के लिए मिलता है दोनों साइड में। और ये स्ट्रिप जो देख पा रहे हो ये इस साइड में मिलता है और इस साइड में मिलता है, और 65 लीटर में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्ट्रिप, ये जो सॉरी ये वाला साइड का स्ट्रिप है ये आपको मिल जाएगा। तो मतलब बॉटल रखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे भी 65 लीटर में भी और 45 लीटर में भी आपको बॉटल रखने के लिए, और स्ट्रिप जो आप जो कैंपिंग के जो टेंट होता है वो रखने के लिए आपको मिल जाता है, ये वाला भी यहाँ पे भी और इसमें भी और इसमें भी, मतलब दो दो, दो एक साइड में एक और दूसरे साइड में दूसरा। तो कहने का मतलब कि इस साइड में भी एक है, इस साइड में एक है और इस साइड में भी एक है, इस साइड में भी, तो दोनों कॉमन है, ठीक है। ये वाली चीज़ कॉमन है, साइड वाले की बात कर रहा हूँ। और उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा 65 लीटर में तो यहाँ पर एक कंपोनेंट देखने को मिलता है और यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हो इस साइड में भी, तो दोनों साइड में। लेकिन 45 लीटर में ये वाली चीज़ नहीं है, ये वाली चीज़ गायब है, तो यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा, ये वाला चीज़ एक्स्ट्रा, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ बॉटल रखने के लिए और ट्रेंड रखने के लिए वाली चीज़ है, ठीक है। और ऊपर में जाते हैं तो ऊपर में आपको एक ये वाला ऐसा वाला पोर्शन मिलता है, एक कैप टाइप है, आप बैग जब पैक करते हो तो आपको इस तरीके का मिल जाता है, ये रिमूवल है, ठीक है। आपको इस तरीके का ये रिमूव कर सकते हो और इसमें भी है, लेकिन आपको रिमूव नहीं कर सकते हो, आपको एक स्टैंडर्ड साइज मिल जाता है, इसके ऊपर आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन इसमें कैसा है, अगर आपको छोटा करना तो छोटा करके भी रख सकते हो, अगर बड़ा कुछ सामान ज़्यादा भरना है तो ऊपर तक लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये ऊपर का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं बैक साइड में, तो ये बैक कर दिया और ये बैक। तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा। सबसे पहला डिफरेंस कि आप अंदर का मॉडल देखो, ये ठीक है, लेकिन इसकी कंपैरिजन बात करें, मैं हाथ से फील करके बता पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा ये वाला 65 लीटर का, लेकिन वो ठीक ठाक है, इतना भी ख़राब नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुशन मिलता है बैक साइड में, ठीक है, यहाँ पे भी है कुशन बैक साइड में, यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, ठीक है। 65 लीटर में ज़्यादा है यहाँ पर कम है। और दूसरी बात ये वाली चीज़ जो आपको कमर में लग के रहता है, कमर में इसलिए कि आपको जो वेट पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट कर देता है, जैसे ऊपर में थोड़ा वेट कमर में थोड़ा, तो ये अच्छा रहता है ये वाली चीज़, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी वाली चीज़ नहीं है, इसमें अलग टाइप का है, नॉर्मल सा जो अपने नॉर्मल कॉलेज वैग रहते हैं ना उस टाइप का है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन रिमूवल है, एडजस्टेबल है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई एडजस्टेबल नहीं है ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये बैक साइड में यही है, बैक साइड में प्रीमियम ही है, ये नॉर्मल चीज़ बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अब हेड के ऊपर जाते हैं, और हेड के ऊपर यहाँ पर जो कैप है यहाँ पर भी आपको एक सामान रखने के लिए एक छोटा सा ये मिल जाता है, और यहाँ पर भी सेम आपको मिल जाता है, दोनों में सेम है। और टॉप की बात करें तो टॉप में आपको ये नॉर्मल वाली चीज़ मिल जाती है, नॉर्मल कुछ इसे ऊपर स्टिक वगैरह नहीं, कुछ रखने के लिए नहीं है। लेकिन अगर 65 लीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको रखने के लिए सामान रखने के लिए एक जगह मिल जाता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे टेंट वगैरह हो गया, टेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम, उसको फिर से पलटा देते हैं, ठीक है। ये पलटा दिए, पलटाने के बाद हम अंदर रखने से देखेंगे। तो ये है 45 लीटर का, तो ये सीधा यहाँ पर आपको सामान रखना है, और इसके अंदर आपको लैपटॉप वगैरह रखने के लिए अलग सा चीज़ें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहीं पर 65 लीटर की बात करें तो यहाँ पर आपको अंदर सामान रखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक लैपटॉप रखने के लिए जगह भी मिलेगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा मतलब वाटर प्रूफ के केस के हिसाब से रहेगा, मतलब ऐसे तो वाटर प्रूफ केस को मिलता है आपको, लेकिन उसके अलावा भी आपको अंदर एक अलग सा सेफ्टी मिल जाएगा। और इसका जो बैक साइड मेन चीज़ मैंने आपको बताया नहीं अब तक, रुकिए, बैक साइड में यहाँ पर देखिए
आपको आवाज आ रही है? एक अच्छा तरीके का मटेरियल उन्होंने डाला है आपको बैग को सीधा रखने के लिए, और ये इसमें बैग एकदम ये हो जाता है, ठीक है, इसमें नहीं होता है। तो ये अच्छा मटेरियल है, बैक साइड में रखा है आपको बैक अच्छे से सीधा रखने के लिए, और ये कुछ है। और दूसरी बात हम बात करें यहाँ पर अंदर से, तो अंदर से कुछ सामान वगैरह रखते हैं, तो अगर समझो अपने तीन पार्टीशन में सामान रखे, नीचे एक अंदर में एक सामान रखे जो हमें अभी निकालना है, लेकिन हमें ऊपर के सामान निकालना नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप? तो यहाँ पर आप इसे ओपन, यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हो, ओपन करके यहाँ पे एक सामान निकालने का जगह है, डायरेक्ट अंदर से निकलता है, मतलब ऊपर के सामान अपने को निकालने का नहीं है, तो आप इस तरीके यूज़ कर सको। लेकिन यहाँ पर 45 लीटर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ज़रूरत भी नहीं है, तो इन्होंने दिया ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ है, और प्राइस की बात करें ये है 1100 का, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है 1000 से 1100 तक, ठीक है, ये वाला है। और ये वाला जो देख रहे हो ये है 5300, तो 5200 या 5300 होते रहता है, मतलब एक पकड़ लो ये 5300 और ये पकड़ लो 1500, ठीक है। तो ये दोनों कुछ ऐसा है, और ये कंपेरिजन है। बाकी इसमें रेन कवर मिलता है, इसमें रेन कवर नहीं मिलता है, ये कुछ है। और बाकी जो आपके सामने ही है देख लो, अगर क्वालिटी इसमें ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है इसलिए भाई, 4 गुना पैसे ज़्यादा है इसमें, तो ये कुछ सीन है। इसका रिव्यू था, ये कुछ इसका कंपैरिजन था, आपको कौन सा पसंद आया बता सकते हो। अगर मेरी पूछें तो मुझे भाई 65 लीटर वाला ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे करना है कैंपिंग, कहीं मैं बहुत दूर जाता हूँ, तो मैं भाई वो 45 लीटर वाला लेके जाकर कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे सामान लेके जाना है और कैंपिंग वाला फील नहीं आएगा। तो कैंपिंग मतलब भाई सब सामान लेके जाने का, सब भर के लेके जाना, कोई स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं, तो वो वाली चीज़ होती है। और अगर आप 45 लीटर वाला लेते हो तो भाई मुझे लगता है, मेरे हिसाब से लगता है कि कैंपिंग के हिसाब से नहीं, 45 लीटर वाला वो नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन 65 लीटर वाला आप कैंपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है, 5500 एक नॉर्मल बंदे के लिए 5500 ज़्यादा हो सकता है, जैसे मेरे लिए 5500 बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका एक अल्टर देखूँ, अल्टर मैंने देख लिया है, वो है 2000 का। क्वालिटी की बात करें तो इसमें 10 out of 9 देंगे, और जो अभी मैंने देखा है उसे 10 out of 8 दे सकते हैं। तो ये कुछ है, और मैं उसे बुलाया नहीं, क्योंकि मैंने तीन बुला के रखा था और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो रहा था, मैंने इसको बुलाया नहीं। अब ये रिटर्न भेजूँगा और उसको बुलाऊँगा, और उसको एक रिव्यू वीडियो बना सकता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, और नीचे एक ऐसा वाला बटन है तो उसे आप दबा दे सकते हो। तो बस ये कुछ क्या आज का रिव्यू था, आज का कंपैरिजन था। मेरी सबसे पूछिए तो मुझे 65 लीटर वाला अच्छा लगा, आपको लेना तो आप ले सकते हो, 45 लीटर वाला देखिए आपको कौन से यूज़ में आप यूज़ कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस यही पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नए ब्लॉग में, फिर से नए ब्लॉग बोल दिया भाई, ये कि मैं बार बार ब्लॉग इसलिए बोलता हूँ कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आप पर एक लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का, जो ब्लॉगिंग चैनल है, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ वहाँ पर मैं रियल लाइफ में यूज़ करता हूँ, और ब्लॉगिंग में ब्लॉगिंग करें आपको दिखाता हूँ। तो जो भी चीज़ें जितने मैंने आज तक अनबॉक्सिंग किए सब मैं यूज़ करता हूँ, और सब मैं वहाँ पर मतलब वो ब्लॉगिंग में आपको दिख ही जाएगा, और आप ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो क्या करना है, आपको उस चैनल में जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का वीडियो यहीं तक, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।